शिवालय है, इसको हमें शिवालय बना रहे हैं। हम तो स्वयं शिवरूप आत्मा तत्व मसी श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म अहम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये जीव से ब्रह्म होने की, नर से नारायण होने की जो हमारी यात्रा है, शरीर स्वस्थ हो, इंद्रियां हमारी संयमित हो और मन के क्लेशों से हम मुक्त हो करके हैं, तो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको हम प्राप्त करेंगे। तो सुबह 5 बजे भोर में आपके साथ हम योग करेंगे, फिर दिन में सत्संग भी करेंगे। और देखो, हम सब योगियों की संतान है और भगवान कृष्ण तो स्वयं योगेश्वर है, और जो योगी नहीं है और जो भगवान कृष्ण को मानता और योग नहीं करता, इसका मतलब वो भगवान का पक्का भक्त नहीं है। भगवान जी खुद कहते हैं, तपस्विभ्योधिको भी योगी, ज्ञानिभ्यो भी मतोधिका, कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो ये तो हो गई योग की बात, बाकी हम एक प्रार्थना बोल देते हैं महाराज जी की आज्ञा से। चलो, प्रभु जी तने से दया करे दो, प्रभु जी तने से दया के रूप में, एक अभिभावक माता पिता के रूप में सदा हमारे साथ है, और भारत के सब महापुरुष मुझसे तो सब अग्रज ही हैं, इसलिए ये मुझे लाभ भी होता है कि सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। सब महापुरुषों का जो अनंत अनुग्रह है मुझे अकिंचन संत पर है, एक साधारण से फकीर पर है। मैं सब संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, 2 मिनट की महाराज जी की आज्ञा थी। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर है, जूना पीठाधीश्वर है, और भाई जूना अखाड़ा तो सबका अखाड़ा है ही, तो हम भी इनके अनुचर होने के नाते जो उनकी आज्ञा थी उसका पालन किया। बहुत बहुत प्रणाम।